वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आप सबको चैनल की तरफ से नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। आज जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े मेहमान, सबसे पहले अपना अपना परिचय भी देंगे, वो कहां कहां से बोल रहे हैं। और वॉइस ऑफ मानवता आप सबके लिए है। इस चैनल पे कोई भी आकर अपनी सच्चाई रख सकता है, उसके पास कोई भी ज्ञान है तो वो सबके साथ बांट सकता है, क्योंकि हम सब एक हैं। और हमारा प्रचार, हमारे चैनल का मेन मतलब ही यही है कि हम एकता फैलाएं। एकता जिंदाबाद में ही सब कुछ है। और हमारे डायरेक्टर जो मेघराज सिंह जी खालसा जी हैं, उनका मेन मतलब यही है कि आओ सब दुनिया में प्यार फैलाएं, क्योंकि प्यार में ही ताकत है, प्यार में ही सब कुछ है। आओ सब जुड़ें और हम सब चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी, और दिल्ली से हैं ओम प्रकाश चोकड़ायत, एडवोकेट साहब जी हैं राजस्थान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आओ उनसे बातचीत करें और उनसे पहले परिचय लें, परिचय वो कहां से हैं और कैसे क्या क्या। आओ सारे जुड़े। हाँ जी कोठारी साहब जी, आप एक मिनट के लिए अपना परिचय दें, लाइव में आपको सब देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आप कहां से हैं और क्या करते हैं। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD हूँ, दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। और कोरोना को लेकर के पिछले एक साल से 8-10 महीने से लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अब तक 100 से अधिक वीडियो बना चुका हूँ। YouTube पे 3 चैनल बनाए थे, एक चैनल बनाया उसके वीडियो हटा दिए, चैनल डिलीट कर दिया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, YouTube ने पूरा बैन कर दिया है, सारे चैनल हटा दिए मेरे। फिर भी लगे हुए हैं इस पूरे मुहिम में जनता को जागरूक करने के लिए कि कोरोना महामारी ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। महामारी एक प्रचारित किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है, दुनिया के बिग एलाइट्स इस पे काम कर रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे संस्थान है, उनका एक मिला जुला षड्यंत्र है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का। साथ में इनका एक एजेंडा है, एजेंडा 2030। उस एजेंडे पर लोग काम कर रहे हैं और उस एजेंडे के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल सर्टिफिकेशन देना है। उस डिजिटल सर्टिफिकेशन को वैक्सीन के नाम पर ही लोग सबको देंगे। ये इनका एक मोटा मोटा गेम प्लान है। तो डॉक्टर साहब जी, आप ही, ये जो कोरोना क्या खतरनाक वायरस है या साधारण वायरस है? कोरोना बड़ा ही साधारण वायरस है, ये आज का नहीं है। आज के 25 साल पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था मैं सेकंड ईयर में, 25 साल पहले सेकंड ईयर की बुक्स में भी कोरोना वायरस का जिक्र था और साधारण फ्लू उसको बताया जाता था, आज भी साधारण फ्लू ही है। लेकिन ये षड्यंत्र गेम के तहत इसको ये महामारी बता करके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है, गेम का एक है। इस बात को एक मिनट प्लीज, आप एक मिनट रुकिए। हाँ जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी, हाँ जी प्लीज आप अपना परिचय दें।
जी बिल्कुल, मैं जयपुर राजस्थान से एडवोकेट हूँ और 22 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ जयपुर में, और ओपी चौकड़ायत मेरा नाम है और बाम सेफ के ऑफशूट विंग ILPA का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन बाम सेफ की जो लॉयर्स विंग है वकीलों की, उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। और आप हमारे बाम सेफ के प्रभारी जी हैं जो राजस्थान के हैं, जो इस टाइम पर हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन का मामला है, वो राष्ट्रीय अधिवेशन की जो प्रभार है वो इनके हाथ में है। अभी हम लोग बाम सेफ का जो अधिवेशन आ रहा है 37वां अधिवेशन, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और उस अधिवेशन को आप सभी को सुनना चाहिए। वो बहुत सारे छोटे मोटे सभी यूट्यूब के चैनल्स पर वो प्रकाशित होगा और उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको मिलेगी जिससे जो अभी तक अपने को इतिहास में छुपा के रखी गई है। आपको थोड़ा सा उसके बारे में आपको आप हमारे हाँ जी सर जी, आप भी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी की फतेह जी, वाह जी वाह। मेरा नाम इंद्रपाल यादव है। यस सर। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। ओके सर। और बामसेफ संगठन में मैं पूर्णकालिक प्रचारक हूँ और संगठन द्वारा हमें राजस्थान प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई हुई है। मैं यहाँ प्रदेश प्रभारी के तौर पर इधर कार्य कर रहे हैं। ओके सर। जी, और अभी हमारा नेशनल कन्वेंशन जो है 25 दिसंबर से 29 दिसंबर होने जा रहा है, उसी की तैयारी में हम लगे हैं। और वर्तमान में जो ये बीजेपी सरकार के द्वारा सारी गतिविधियां हमारे SC ST OBC के विरोध में चल रही हैं, उस पर भी हम लोग बहुत जोर तोड़ से यहाँ पर किसानों के आंदोलन में, उसके पहले जो NRC CA के मुद्दे को लेकर के भी हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। yes, जी अच्छा सर जी, आज का मुद्दा है भाई कोरोना। कोरोना क्या खतरनाक वायरस है या साधारण वायरस है, आपका क्या विचार है? कोरोना ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये तो एक सिर्फ हमारे समाज डराने के लिए और डरा करके उसके विरोध में इनको राम मंदिर बनाना था और हमारे सारे बहुत सारे कानून को संशोधन करके, जिससे हमारा SC ST के अधिकार को, OBC के अधिकारों को समाप्त करने का काम इनको करना था, इसलिए इन लोगों ने इसको एक महामारी करके ले आए हैं। ये राजनीतिक खेल है, इसका मतलब ये राजनीति के खेल है और इस राजनीतिक खेल के अंतर्गत ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ओके। ये तो बहुत पहले से आ रहा है, आप डेटोल की सीसी उठाकर देखेंगे, जो डेटोल अक्सर उसपे भी कोरोना एंटी लिखा हुआ है, लिखा हुआ। हाँ जी, तो वो इसका मतलब ये कोरोना भी मतलब मामला जो है वो बहुत पहले से है। हाँ जी, इसको इन लोगों ने महामारी का रूप एक दिया और इसमें कई देश के लोग, जो यहूदी लोग जहां राज कर रहे हैं, उन लोगों ने प्लान बना करके साजिश के तहत इसको लाया। हाँ जी, हाँ जी, भारत में जो SC ST OBC के लोग और इन्हीं से कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको इन लोगों ने गुलाम बना करके रखा है, वो गुलाम बना के रखने वाले लोगों ने जो बामसेफ के माध्यम से पूरे देश में जन आंदोलन और इनको विदेशी कहा जा रहा है, ये उसको काउंटर करने का ये सारा मामला ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। यस जी, तो आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देश को भाई, अपने या ऑल वर्ल्ड को, क्या इस बात पे क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई, आपको कैसे मतलब कैसे निपटना चाहिए इन बातों से? इन बातों से निपटने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे अपना ये सोशल मीडिया पर एक होना चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए। हाँ जी, एकजुट होना चाहिए, इस जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम करना चाहिए, धार्मिक नहीं सामाजिक तौर पे एक करने का सबको काम करना चाहिए, और अलग अलग समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, हमारा धार्मिक मामला नहीं है, सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, जो लोगों को अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग जाति में, अलग अलग संप्रदाय में बांटने का काम जिसने किया है, दोस्त और दुश्मन को जब तक आप टारगेट नहीं करोगे कि हमारा दुश्मन कौन है,
और हमारे लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी बात करते हैं, आधी अधूरी उसको दुश्मन को भी साथ में ले लेते हैं और दुश्मन का लड़ाई भी लड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे संभव नहीं है। दुश्मन भी तो अंदर है, हम नाम दूसरे देश का लेते हैं, दूसरे देश को टारगेट करते हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो हमारे अंदर ही, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं जी, लेकिन जी, हमारे अंदर ही हम वो हमारे बीच में ही है कि हम कभी किसी देश का नाम लेते हैं, कभी किसी देश का, लेकिन हमारे अंदर जो कमजोरियां खुद के हैं, सिर्फ हम अपने आप को आगे लाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि जो ये ब्राह्मणवाद है ना, मैं हकीकत में बात करता हूं, ब्राह्मणवाद ने हमारे देश को बांटा है हकीकत में, और बांट जो ब्राह्मणवाद ने नहीं बांटा है, ब्राह्मणों ने बांटा है, ब्राह्मण, हाँ जी, ब्राह्मणों से ही ब्राह्मणवाद उपजता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने ही हमको बांटा है और ब्राह्मणों ने ही बांट कर हमको अलग अलग टुकड़ों में किया है। इसीलिए इन लोगों ने अगर हम सिख की विचारधारा आइडियोलॉजी पे जाएं, तो अगर जो हम अपने थोड़ा सा इतिहास में बैक में अगर जाना चाहें, तो ज्योतिबा राव फूले ने 1848 से जब उन्होंने आंदोलन चलाया, तो उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। हाँ जी, सत्य की शोध करने वाला। तो हमारे लोग बहुत बड़े पैमाने पे उस समय जो है सिख धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, जाट समुदाय के लोग इधर हरियाणा चंडीगढ़ आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सिख धर्म को अपना रहे थे। हाँ जी। तो 1875 में मूलचंद तिवारी नाम का जो ब्राह्मण था, गुजरात का रहने वाला था, उसको यहाँ लगाया गया इस काम पे, और हमारे लोगों को रोकने का काम किया गया कि सिख धर्म में ज्यादा लोग न जाए, आर्य समाज की स्थापना किया 1875 को। हाँ जी। आज मैं इधर घूमता हूँ तो मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे जाट समुदाय के लोग, गुज्जर समुदाय के लोग आर्य समाजी बने बैठे पड़े, जबकि वो आर्य जो है वो तो एक विदेशी ब्राह्मणों का मामला था, लेकिन उन लोगों ने हमारे लोगों को भी उसपे डाइवर्ट कर लिया। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा मामला चला। आपके पास दोबारा आते हैं, अब इनसे सवाल करते हैं प्रकाश अपने एडवोकेट जी से। कोरोना खतरनाक वायरस है या मतलब ये साधारण, आपका क्या विचार है इसके बारे में? कोरोना आपराधिक षड्यंत्र, आईपीसी की धारा एक है 120 बी, आपराधिक षड्यंत्र के तहत जानबूझकर के देश के मध्यम वर्ग को बर्बाद करने के लिए, जो मध्यम वर्ग गरीबों का मसीहा बन रहा था उसको बर्बाद करने के लिए ये लाया गया ऐसा आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक ऐसा प्रोपोगंडा है जिसको मीडिया ने फैलाया है। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये वर्ल्ड लेवल पर बदमाशी हुई है ये। ठीक है, ठीक है। देखिए, रसिया में जो पुतिन है, हाँ जी, जो व्लादिमीर पुतिन है, रसिया का प्रेसिडेंट, वो भी पूंजीपति है। हाँ जी। अमेरिका का प्रेसिडेंट वो भी पूंजीपति था जो डोनाल्ड ट्रंप चला गया। हाँ जी, हाँ जी। इधर जिनपिंग भी पूंजीपति है। हाँ जी। उधर ब्राजील वाला भी पूंजीपति है, और हमारे वाला यहाँ का भी पूंजीपतियों का गोद लिया हुआ बेटा है, वो तो गुलाम है, गुलाम है। इन सब ने क्या देखा कि जब मध्यम वर्ग के पास, जो मध्यम वर्ग है वो पढ़ लिख करके आगे आ रहा था, और मध्यम वर्ग के पास सबसे ज्यादा जमीनें है, मध्यम वर्ग के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, इस जमीनों से ये जो उपज पैदा कर रहा था, उस उपज से, उस पैसे से, और साथ के साथ ये रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। यस, रियल एस्टेट में जा रहा था, तो रियल एस्टेट से इस मध्यम वर्ग के पास पैसा आ रहा था, और उस पैसे से गरीबों की मदद कर रहा था, उनको रोजगार दे रहा था। तो ये मध्यम वर्ग है, ये उच्च राजनीति को चैलेंज कर रहा था। उच्च राजनीति कौन? ये ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों की राजनीति है, उसको ये चैलेंज कर रहा था। तो ये देखे कि अगर ये हमारी राजनीति को चैलेंज करके अगर राजनीति हमारी खत्म कर देंगे तो कभी जिंदगी में हम सत्ता में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल, सत्ता में आ ही नहीं सकते। तो इन्होंने ये देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब बात आ गया मूल निवासी कॉन्सेप्ट की, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, और ये कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सारे के सारे मूल निवासी है, ऐसे ही वो
डॉक्टर बामशाद की रिपोर्ट आई उसके अंदर ये बताया गया कि ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी यहाँ के मूल निवासी है और ये जो आर्यन से जो अपने आप को आर्य कहते हैं जो ब्राह्मण है ये बाहर से आए हुए हैं और ये अपने आप को इतिहास में बताते हैं आगमन बताते हैं अपना और दूसरों का आक्रमण बताते हैं जबकि खुद भी एक आक्रमणकारी के तौर पर आए थे। इन्होंने हमारे देश पर पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित करके और उससे पहले हमारे वृद्धरथ मौर्य जो हमारा मूल निवासी राजा था दसवां उस मूल निवासी राजा की इन्होंने धोखे से हत्या कर दी। फिर और हत्या करने वाला कौन? उस मूल निवासी राजा का ही जीजा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके ये इस सारी सत्ता को अपने हाथ में हथिया लिया और फिर ब्राह्मणी व्यवस्था उसमें स्थापित की। और उस टाइम पर जो हमारा अखंड भारत था उसकी सीमाएं चीन तक लगती थी जिसमें अफगानिस्तान नेपाल भूटान तिब्बत श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान तो भारत के हिस्से थे ही और जो अब का भारत है ये सबके सब ये बहुत बड़ा अखंड भारत था। इस अखंड भारत को ब्राह्मणी व्यवस्था आने के बाद ये खंडित होता चला गया खंड होता चला गया। आज हमारा जो भारत है उसका जो सिर हम काश्मीर बताते हैं उसका भी आधा हिस्सा पाकिस्तान के पक्ष में पाकिस्तान के कब्जे में है जिसको पीओके कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं अपन। यस तो इन्होंने क्या देखा कि ये मध्यम वर्ग जो उच्च राजनीति को चैलेंज कर रहा है ये अगर उच्च राजनीति अगर राजनीति ये उच्च वर्ग या स्वर्ण वर्ग जिसे ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं अगर ब्राह्मणी व्यवस्था राजनीति से बाहर हो गई तो कभी भी ये राजनीति में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इन्होंने मध्यम वर्ग को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो लेबर एक्ट में चेंज किया। ये कोरोना वायरस लेकर के आकर के लेबर एक्ट में चेंज करके क्या किया इन्होंने कि जो लोग लेबर एक्ट के तहत अपनी लेबर मांग रहे थे अपने लेबर के अधिकार मांग रहे थे अपना पीएफ जीपीएफ मांग रहे थे वो सारा पीएफ जीपीएफ उनका हड़प गए उनकी लेबर को हड़प गए उनको रोजगार बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। बेरोजगार करने के बाद जब वो हैंड टू माउथ हो जाएंगे देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को जब वो हैंड टू माउथ हो जाएंगे जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा जब वो कमाने खाने लायक नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो सरकार की सरकारी व्यवस्था पर डिपेंड हो जाएंगे। तो सरकारी व्यवस्था पर डिपेंड होंगे तो फिर ये एनआरसी सीएए को लागू करने के लिए एनपीआर आपके गले में वापस डालेंगे। ये सोए हुए सांप हैं ये सोए नहीं है मरे नहीं है सोए हुए सांप हैं ये डसने के लिए आ रहे हैं। एनपीआर को लागू करने के लिए ही इन्होंने एनआरसी और सीएए वाला मामले को ठंडा कर दिया। जब एनपीआर का भी हम लोग षड्यंत्र समझ गए तो इन्होंने देखा कि जो बामसेफ के द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट के आधार पर ईवीएम के भंडाफोड़ रैली चल रही थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही थी उस भंडाफोड़ रैली ने सबको ईवीएम का भंडाफोड़ करके बता दिया और उस ईवीएम के भंडाफोड़ में लोगों को बताने के लिए वामन मेश्राम साहब सबसे ज्यादा आगे रहे और उन्होंने ही वो रैली आयोजित करी। जब वो सफलतापूर्वक आयोजित हो गई तो फिर इन्होंने किसान रैली जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की रैली चल रही थी लोगों को समझाने के लिए उस किसान मोर्चा की रैली को भी इन्होंने काउंटर करने के लिए ये कोरोना वायरस लाने की सोची। उससे पहले इन्होंने ये चार बिल जो निकालने थे वो इसलिए निकाले इन्होंने चारों बिल ताकि किसानों के हाथ की जो जमीन है उनके पास जो जमीन है जिसके आधार पर वो आज काबिज है आज वो दमदार है मजबूत है उस जमीन को उन ब्राह्मणों को देने के लिए इन्होंने ये चारों बिल निकाले। आपको ये और बता देता हूं ये जो चारों बिल निकाले है ना ये बिल तो बहुत छोटी बात है इनके पहले एक बिल और निकाला है इन्होंने 2009 में जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष विनिधान अधिनियम 2009 ये गुजरात में लागू कर दिया। जो गुजरातियों की जमीनें जा रही है ना वो किसान वाले एक्ट में नहीं जा रही वो एसआईआर एक्ट में जा रही है। उस एसआईआर एक्ट को यहाँ 2016-2017 राजस्थान में लागू किया इन्होंने और कैसे लागू किया इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कि सारे एमएलए एमपी को जो एमएलए एमपी थे उन सबको सिंघम फिल्म दिखाने के लिए इन्होंने विधानसभा के अंदर टिकट बांटे जो फिल्म के टिकट
और फिर उनको ये बोला जाते जाते एमएलए एमपी को कि भाई ये लोगों के चार एक्ट पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, इस पर भी साइन कर जाओ, तो उन पर साइन करवा लिए एमपीओ से एमएलएओं से, उन लोगों को उसे एमएलए को ये पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं उसे एक्ट को, और उन पर साइन करवा लिए और साइन करके चले गए फिल्म देखने के चक्कर में। वो एसआईआर एक्ट है, ये है उसी एसआईआर एक्ट का, आप सीएए और एनआरसी के तहत ही देख सकते हैं उसको, एनआरसी सीएए है वैसा ही एसआईआर एक्ट है। इस एसआईआर एक्ट को लागू करने के लिए ही इन्होंने ये चार बिल निकाले हैं और यही बिल महाराष्ट्र में भी इन्होंने लागू किया है, लेकिन महाराष्ट्र की पब्लिक ने, वहां पर गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वो ज्यादा लागू नहीं हो पा रहे, पहले मारधाड़ उसी वजह से चल रही थी। इसीलिए मध्यम वर्ग को मारने के लिए इन्होंने मूल निवासी कॉन्सेप्ट को दबाने के लिए इन्होंने शाहीन बाग जैसे मामले को उठवाया और शाहीन बाग वाले मामले को भी कैप्चर करके चले गए। ये एक के बाद करते चले जा रहे थे, देखा कि एक के बाद आंदोलन हो रहा है, इसलिए अब इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, तो पांच देश अमेरिका, ब्राजील, रसिया, चाइना और हमारा भारत, इन पांचों ने मिलकर के और इस देश के पूरे वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था को एक नया घुमाव देने के लिए, क्योंकि मूल निवासी कॉन्सेप्ट का मामला कई देशों में और देशों में भी उठ रहा है, वहां के भी कई मूल निवासी परेशान है इस वजह से, वहां पर भी यह चीज उठ रही है। तो मूल निवासी कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, मैं नहीं कह रहा मूल निवासी कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, मूल निवासी कॉन्सेप्ट के तहत ईवीएम वाला मामला भारत के लिए है ना, दूसरा मध्यम वर्ग वाला मामला जो सभी देशों के अंदर मध्यम वर्ग उच्च राजनीति को चैलेंज कर रहा है, उस उच्च राजनीति को चैलेंज खत्म करने के लिए, उच्च राजनीति का चैलेंज खत्म करने के लिए इन्होंने मध्यम वर्ग को मारने के लिए कोरोना वायरस का प्रोपोगंडा फैलाया। बल्कि अगर बाकायदा अगर ये महामारी होती कोरोना वायरस से, तो भाई साहब अभी तक तो इतने लोग मर चुके होते, इतने लोग मर चुके होते, वर्ल्ड वार के समय करीबन 20-25 लाख आदमी मर गए थे। हाँ जी, हमारे देश में तो 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया। हाँ बिल्कुल। और मर कौन रहा है, जिसके बीपी है, जिसके शुगर है, जिस आदमी के अगर जुकाम हो जाएगा तो उसको सांस लेने में से प्रॉब्लम आएगी। भारत के अंदर ये आंकड़ा दूसरा चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, भारत में जो जवान हॉस्पिटल पहुंच गया उसके कोरोना हो गया। अब कोरोना के डेफिनेशन कोई नहीं बताता कि कोरोना वास्तव बीमारी क्या है, जस्ट लाइक ए फ्लू है वो, लेकिन वो फ्लू उस आदमी को क्यों हुआ। यहां पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हाई डोज एंटीबायोटिक की दी जा रही है, उनकी फिजिकली जो एफिशिएंसी है उसके बाहर जाकर के, उनकी फिजिकल एफिशिएंसी से कहीं एक्स्ट्रा जाकर के उनको एंटीबायोटिक दी जा रही है, उनको पैरासिटामोल दी जा रही है, सब सुनने में आया है, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जो बिना खाने के दी जा रही है, तो उनके गैस भर के, जो गैस पेट में पैदा होती हो, गैस क्या है, हार्ट की तरफ बढ़ती है और हार्ट को, और हार्ट के संबंध में कोई दवाई दूसरी दी नहीं जा रही, तो वो उनका हार्ट अटैक आ रहे हैं और उसको कोरोना बताया जा रहा है। चलो सर जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। और अभी आपके पास आते हैं तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, काफी देर हो गई है तो वो बैठे हैं, आई एम सो सॉरी, उनसे सवाल करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है, हेलो। हाँ जी सर जी, वो जुड़ नहीं पा रहे, एडवोकेट साहब आप ही आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी ओम प्रकाश जी, एडवोकेट जी, हेलो, हाँ जी, वो उनकी आवाज आ नहीं रही, पता नहीं शायद उनका है ना, तो
आपसे सवाल है कि मतलब जो ये कोरोना वायरस से है तो जो फ्रेब है, वैसे हमको भी पूरा लगता है भाई ये इन्होंने फ्रेब किया है, और मुझको तो जब से लगता है जब से ये साइनबाग का सिस्टम हुआ है और ये इकट्ठे मिले हैं, अमेरिका की ताकत और भारत की ताकत जब इकट्ठे हुए हैं, ये जब वहां पे बैठ के राजनीति घड़ी गई है मेरे हिसाब से। आ रही आवाज आ रही। हाँ, तो बोलिए, ये जो पूरे विश्व में कोरोना काल में हो रही मौतें, क्या सभी मौतें कोरोना से हो रही हैं? मौतें पहले भी होती थी, मौतें पहले भी हो रही थी, लेकिन आज हम यहाँ भी देख रहे हैं तो एक गिनती हो रही है। अभी यहाँ पे अमेरिका में एक केस हुआ है, एक जना एक लेडीज मतलब चेक कराने के लिए गए, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो सिर्फ लाइन में लगे, उनको टाइम नहीं मिला तो वो घर चले गए वापस, तो उनको अगले दिन फोन चले गया कहते आप पॉजिटिव हो जी। वो बोलती हैरान हो गई, कहते मैं अमेरिका में रह रही हूँ और अमेरिका में भी ये चल रहा है, तो ये एक वाकई साजिश है हकीकत में, ये साजिश है जी, साजिश सब छोटी मोटी साजिश नहीं, ये सब वोट की राजनीति की साजिश है, ये इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए या दूसरे कुर्सी बचाने के लिए ऐसी ऐसी घाट घड़ी है। तो आप इसके बारे में अब क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। हाँ जी, हाँ जी, आप देखिए बार बार हाँ मिलके की गई है, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मध्यम वर्ग जो कि मजबूती से गरीबों को रोजगार प्रदान कर रहा था, और वो मध्यम वर्ग गरीबों की सहायता मदद लेकर के या उनकी सहायता करके आपस में मिलजुल करके उच्च राजनीति को चैलेंज कर रहा था। और उच्च राजनीति कौन है? जो थोड़े से हैं, जो जरा से हैं, करीबन 4-5% के लोग हैं, उन लोगों की राजनीति को चैलेंज कर रहा था। उन लोगों ने देखा कि यदि मध्यम वर्ग इसी प्रकार एजुकेशन में, शिक्षा में, रोजगार में और अन्य चीजों में यदि समझ बुद्धि और ज्ञान में बढ़ता चला जाएगा तो ये हमारी राजनीति खत्म करेगा। इसीलिए इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इनकी राजनीति को बचाने के लिए इन्होंने एक के बाद, जैसे सबसे पहले ये एनआरसी लेके आए। एनआरसी क्यों लेके आए मैं आपको बता रहा हूं, एनआरसी इसलिए लेकर के आए ये क्योंकि जो हमारे सरहद पर जो हमारे रहने वाले लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी और उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को पहले तो उनको अंदर ले लिया, या हो सकता है कॉलोनी वहां आसपास ही रहते हों, तो पहले तो उन लोगों को जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब तो इनके बैलेट पेपर से चुनाव के समय उनको वोट डालने की वोट की जरूरत पड़ती थी, तब तो उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई, उनके पीढ़ियों की पीढ़ियां यहाँ रह रही है, उनके एजुकेशन, उनके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियां वगैरह, कोई कर्नल बन गया, कोई ब्रिगेडियर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, और बड़ी बड़ी कॉलोनियां बाकायदा उनकी बसी हुई है जो कि हमारी सरहद के अंदर ही है। तो हमारी सरहद के अंदर सबसे पहले तो उनको आने किसने दिया? अगर विदेशी थे तो वो हैं, इसका मतलब उन लोगों को या तो वो हमारे ही हैं। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को खत्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि जब 2009 में ईवीएम आ गई तो देखेगा अभी इन लोगों को हम क्यों रखे यहां पर, तो उनका मुद्दा उठाया जानबूझ करके लोगों को घुसपैठिए और राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवादी घुसपैठिया बनाम राष्ट्रवादी के नाम पर एक मुद्दा उठाया गया, और इन्होंने ये बताया कि वो विदेशी हैं। हाँ, तो वो विदेशी हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये इन्होंने बताया कि वो विदेशी है और उनके एनआरसी के तहत तो उनकी काउंटिंग की गई। लेकिन वो निकले कौन? इन्होंने उन सबको मुसलमान जान करके या मुसलमान बता करके उनकी काउंटिंग की, तो वो लोग टोटल 20 लाख थे, है ना? वो 20 लाख आदमी थे, उस 20 लाख में से मात्र 4,55,000 ही मुस्लिम निकले, बाकी एससी एसटी ओबीसी के निकले। सही, वो है वो 19,000 जो है ना, जो 15,45,000 जो आदमी जो बंदे हैं वो निकले कौन? वो निकले एससी एसटी ओबीसी के। और बाकी जो मुसलमान है, मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों का नाम लेकर के ये एससी एसटी ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं, ये चल रहा है इनके दिमाग में। तो इन्होंने एक काम और किया
साथ के साथ इन्होंने एक काम और किया कि उन लोगों को एनआरसी वहां कैंप बनाए गए, एनआरसी की गई। एनआरसी के बाद फिर दूसरा क्या है, जब एनआरसी का विरोध हुआ तो फिर क्या बिल लेकर क्या है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी जब एनआरसी इनकी कंप्लीट नहीं हुई, उनको विदेशी करार नहीं दिया जा सका, तो ये क्या करे कि भारत के नागरिकों की नागरिकता चेक करने के लिए, भाई इनके कौन कौन यहां पर घुसपैठिया रह रहा अंदर, क्योंकि हमने डिफेंस किसको किया, हमने उस सरहद पे रहने वाले 20 लाख नागरिकों को डिफेंस किया, उनको डिफेंड किया हम लोगों ने, उनके पक्ष में बोले, उनके पक्ष में आंदोलन किए, तो ये फिर एक बिल ऐसा लेकर के आए कि उस बिल को हमारे पर लागू कर दिया है कि हम देखेंगे देश में कौन कौन घुसपैठिए हैं। अरे भाई बॉर्डर पर तुम्हारी सेना, तुम्हारी जाति समाज का ब्राह्मण का वो कर्नल बैठा हुआ है, ब्रिगेडियर वो बैठा हुआ है, सारी सीमाएं तुमने सीज कर रखी है, तो फिर घुसपैठिए अंदर आए कैसे गए, इसका मतलब घुसपैठिए को घुसाने वाले भी तुम ही हो, तुम ही हो, ये सब कुछ करने वाले यही हैं। वो 300 जो किलो वो आई थी वहां पे, जो ये कौन सा पुलवामा का जो हमला हुआ था, फोन को रीस्टार्ट करके दोबारा डालते, हाँ जी वो आई नहीं। हेलो, हाँ जी मेघराज जी कुछ बोल रहे थे जी, बोलिए जी सर जी। हाँ जी बोलो आप। बहुत अच्छा दिनेश जी को आ गए हैं, दिनेश जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर ये इसमें फोटो आ नहीं रही, लाइव आई नहीं, लाइव जुड़े हैं। दिनेश जी बात कीजिए सर, दिनेश जी प्लीज आइए, आप सुन सकते हैं मुझे, आइए एडवोकेट साहब आपसे अभी बात करते हैं। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया है, तो आपसे आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता में, आप बहुत लेट हो गए वैसे। नहीं नहीं, मैं था पहले से, ऑनलाइन था, कोरोना वायरस के ऊपर सवाल चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं मैं पहले से ऑनलाइन था, मैं सुन रहा था, मेरी वेबकैम ऑन थी, मैं तो सुन रहा था। अच्छा अच्छा, चलो तो आप बताइए भाई, आपका क्या विचार है, जो कोरोना वायरस है ये हवा ही है, अभी हमने पहले डॉक्टर अपने कोठारी जी से बात की है, वो भी कह रहे हवा है, और जो एडवोकेट अपने ओम प्रकाश चोकड़ा या तो बोल रहे हैं राजस्थान से, वो भी, और वाकई हकीकत में है, मौतें तो पहले से भी हो रही हैं, आज से शुरू नहीं हुई, आज जो सारी गिनती हो रही है कोरोना में हो रही है, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो अगर कोरोना वायरस है तो इसका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, जब इस ये छूने से बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब तो छू रहे हैं ना, और फिर ये जो मतलब जब सब सब मर रहे हैं इसमें, जिनको कोरोना वायरस है तो उसमें ट्रंप भी है, उसमें अमिताभ बच्चन भी है, तो ये जो पावर वाले बंदे ये क्यों नहीं मरते, गरीब ही क्यों मरता है, या जिसकी किडनी निकाली जाती है गरीब की वही क्यों मरते हैं, फिर उनको कह देते हैं भाई इसके हाथ नहीं लगाना, उनकी किडनी निकाल ली, उनके दिल निकाले, जो जो इस्तेमाल करने वाली चीजें अंदर से, जवान जो लोग हैं कहीं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े मर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन इंडिया में जवान मर रहे हैं, वहां पे एक धंधे के हिसाब से चल रहा है, तो मतलब ये क्या है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं बताओ? अभी अभी कोई बोल रहा है कि ये सच है, कोई बोलता है ये मतलब कोरोना झूठ है, अभी तो ऊपर वाला ही जाने। कोरोना चलो एक ये फ्लू की बीमारी है, ये चलती आई है, लेकिन ये जो इसमें मुझे तो देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अपने अंदर से कई बार बातें उठती हैं, इंसान के मन महसूस करता है कि मैं इतना भी एक क्या है, ये राजनीति है, क्योंकि हमको तो सिर्फ क्योंकि मौतें तो पहले से होती हैं, फ्लू से भी पहले मौतें होती रही हैं, और आज और कोई मौत है ही ना, कोई हार्ट अटैक की है, कोई किसी किसी को बता दे हार्ट अटैक हो गया इसको, जिसको मतलब वो कोरोना कहना चाहते हैं या बॉडी वापिस देना चाहते हैं, नहीं तो ये कहते हैं भाई ये कोरोना ही है, सब लोग कोरोना से मर रहे, और कोई बीमारी का नाम है ही नहीं, तो कोरोना है क्या, क्या हुआ है? मतलब पहले किसने बोला कि चाइना ने निकाला हुआ है, कोई पहले बोलता है कि रूस ने निकाला हुआ है, अभी वो असली तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि क्या है, किसने निकाला है, एक बात और वैज्ञानिक क्या बताएंगे। आज आज जो है ना, तो मतलब जो सिस्टम बन चुका है सारा सिस्टम, जो आज क्योंकि अपने भारत की बात करें आप, चलो भारत में जो सिस्टम बन चुका है ना, वहां पे
अब सब कुछ तो उनके हाथ में है। ओके। अब मतलब आप सिस्टम देख रहे हैं कि मतलब अपने भारत का, भारत में ऐसा क्यों, भारत में इतना मतलब अत्याचार क्यों, हर चीज में गरीब मार क्यों, पीछे पीछे कोरोना जब ये लॉकडाउन हुआ जब भी कितने मजदूर मरे उसमें। तो इस चीज से हमें कुछ सरकार को सीखना चाहिए ना, ये नहीं कि वो हमको सिखाएगी, उसको भी सीखना चाहिए। जब उनके हाथ में पूरे भारत का राज भाग दिया है तो अब सोचना उनके हाथ में कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो एक क्यों नहीं सोचते। गरीब मरता है तो उसको कोई पूछता नहीं, कोई मीडिया नहीं जाती। अगर मोदी जी कहीं पानी भी पी रहे हैं तो उनकी खबरें जा रही हैं, क्योंकि अब मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिस्टम के, सिस्टम जो इन्होंने खराब किया है। हम मोदी जी को गलत नहीं बोलेंगे, कोई भी हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जो वो इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो सरकार बेकार है, जीरो है। अगर हाँ तुम्हारे पास पूरा बहुमत था तो आप इस चीज पे कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा केस आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? अभी इसका कारण लापरवाही है, सबने ऐसे ही सोच लिया कि बस लोगों को मरने दो, हमारा क्या जाता है। अच्छा, अभी एक बात ये, और दूसरी बात के लाइक जैसे आप बोल रहे हो इंडिया में केस कम है, यूएस में इतना क्यों ज्यादा? सब लोग बोलते हैं यूएस तो सुपर पावर कंट्री है, पर यूएस में इतने लोग क्यों मरे? एक और दूसरी बात, सबसे ज्यादा लोग यूएस में ही मर रहे हैं, मतलब न्यूयॉर्क हो गया, टेक्सास हो गया, सब। अभी अगर ऐसे ही क्यों मर रहे, कोई तो चलो हार्ट अटैक से मर रहे, कैंसर से मर रहे, बाकी सब ऐसे ही कैसे मर जा रहे? जवान लोग हैं वो भी ऐसे ही मर जा रहे, बीच में एक्टर है इतने सारे वो भी मर गए, तो ऐसे कैसे मर रहे? मतलब इन्होंने पहले ही एक कुछ बनाया था कि 2020 ये राजनीति खेली गई इसी के लिए जो अमेरिका में चुनाव होने थे। मेरे हिसाब से देखो, मैं सच बोलूंगा, मैं इस देश में रह रहा हूं, लेकिन चाहे मैं अपने देश में रहता हूं, हमको सच बोलना है और सच की हमेशा जीत होती है। ये जो खेल रचा गया, एक जो खेल रची गई है, जो सबसे ज्यादा यहीं पे मौत हो रही है, इन्होंने खेल रची है। और ये फ्लू था, फ्लू को इन्होंने खुद इसमें वायरस मिलाया, एक कंट्री ने नहीं, ये सब इकट्ठे होके आपस में, क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता, पब्लिक मरे जिए कुछ भी होए, पहला पब्लिक की यहाँ पे, पहले दुनिया यहाँ पे लोगों की कीमत थी, लोग को बचाते थे, लेकिन आज यहाँ पर भी ऐसा ही, क्योंकि इन लोगों को भी हमारे लोगों ने चोरी करना सिखा, ये लोग ईमानदार थे, मैं आपको सही बता रहा हूं, अमेरिका में लोग पहला ईमानदार थे, आपको हर चीज बड़ी सौखे तरीके से मिल जाती थी, लेकिन आज आज क्या हो रहा है तो आप बताएं। आप कोरोना के ऊपर बोले और किसी बात के ऊपर ना बोले, किसी के खिलाफ नहीं बोलना आपने, आपने किसी सरकार के, हमारे तो देखो सवाल है, हमने हमारा चैनल है तो मतलब ये सबका चैनल है, तो हमने तो सवाल करना है, आपने जवाब देना कि कोरोना के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मतलब इसे जल्द से जल्द खत्म करें, मतलब वैसे ही बहुत लोग मर गए तो और कितना, मतलब वर्ल्ड वॉर में भी इतने मरे नहीं थे जितने यहाँ पे मर, यहाँ पे ज्यादा मरे। अब देखो, अगर कोरोना है और बिल्कुल पास में बैठने से कोरोना होता है, और जैसे तो यहाँ पे भी कई लाखों लोग खुले मुंह घूम रहे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो अब यहाँ से सरेआम पता चल रहा है कि मतलब एक एक साजिश है, एक मतलब कुछ कोरोना चलो मतलब बीमारी है, बीमारी तो आती है, ऐसी बात नहीं, बीमारी के बारे में बोल लेंगे, भाई बीमारी नहीं होती, बीमारी होती है, लेकिन कुछ राजनीति ज्यादा है। जैसे हाँ, वो भी किसान है, वो भी बिना मास्क के आंदोलन कर रहे, वैसे ही मोदी है बिना मास्क के घूम रहे, और अपने तो, ट्रंप साहब भी ये इन्होंने पूरे अमेरिका को कहा मास्क लगाओ आप, लेकिन इन्होंने कभी भी मास्क नहीं लगाया, नहीं लगा के निकाल दिया। क्यों नहीं इन्होंने लगाया? मैं देखता हूँ खबरें, बहुत देखता हूँ यहाँ की, सब सारी खबरें देखता हूँ, लेकिन इन्होंने, मैं तो कभी इनको लगाते देखा नहीं मास्क। अच्छा, इनको भी ऐसे टाइम पे आके हुआ जब वोट का टाइम हुआ था, जब वोट पड़ने का टाइम हुआ था, इनको भी जब ही मतलब हुआ कोरोना, नहीं तो वैसे ही कुछ हुआ नहीं, अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं हुआ, पहले ऐसे ही एक फ्लू था 1916 या 1914 में, स्पैनिश फ्लू करके, उसमें भी बहुत लोग
मर गए थे, और उसमें भी ऐसा था कि लाइक आप मास्क पहनो नहीं तो जेल जाओ, मगर इधर ऐसा कानून नहीं अभी डाला गया कि मास्क पहन के आप मास्क पहनो ये नहीं तो जेल जाओगे। और अभी जस्ट जब उन्होंने वैक्सीन निकाली है, अभी जस्ट ब्रिटिश या कोई कंट्री का आदमी बोल रहा था याहू या CNN पे कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आप, अब औरतें वैक्सीन लगाएगी तो उनको मूछ आ जाएगी, अगर आप आदमी वैक्सीन लगाएगा तो औरतों की आवाज बोलना शुरू कर देगा। अभी ये कल की न्यूज है, मैंने किधर तो पढ़ी थी, ये वैक्सीन आई जो अब आई है इसके लिए। इसको कौन कौन आदमी लेडीज बनना चाहेगा फिर? नहीं, आदमी लगाए तो आदमी का आवाज लेडीज ऐसा हो जाएगा। और मतलब फिर कौन लगवाएगा इस शॉट को, मतलब कोई भी नहीं लगवाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कोरोना के नाम पर जो आ रही वैक्सीन क्या लोगों के लिए लाभदायक है या खतरनाक होगी, मतलब इसके क्या मतलब गलत साबित भी हो सकती है? नहीं, अभी इतना टाइम लगाया उन्होंने रिसर्च करके, तो वैसे वैक्सीन बनने कोई 5-6 साल लगते हैं, अभी 1 साल में बनाना मतलब वो तो, इस वैक्सीन में 5-6 साल लगे हैं? नहीं नहीं, ऐसे लगते हैं कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए 5-6 साल, बट इसको 1 साल में बना के सामने लाना मतलब कोई बड़ी बात है, या इन्होंने कुछ किया रहेगा उसमें भी, मतलब इन्होंने कुछ उसमें भी किया रहेगा कि जल्दी बना के दे दो। वो तो अभी कम से कम 1,000-10,000 लोगों को लगने के बाद ही समझ आएगा कि असली में वैक्सीन। वैसे तो कहीं हमने ये भी सुना है भाई, जो इसको लगवाएगा वो बच्चे बनाने काबिल नहीं रहेगा, सब कुछ है, तो उन्होंने कुछ मिलाया होगा इसको, तो ऐसा कुछ है इसमें बोल रहे हैं भाई, जो ये इंजेक्शन जिसके लगेगा वो इंसान बच्चे बनाने काबिल नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आदमी औरत जैसे आवाज निकालेगा, वो तो अभी वो सिस्टम ऐसा है ना, अब वो तो न्यूज फैल रही है अभी, तो सच तो न्यूज वालों को ही मालूम क्या कर रहे हैं वो लोग। और जब तक ये 10 से 1 लाख लोगों पे वैक्सीन लगेगी नहीं, जब तक कुछ मालूम पड़ेगा नहीं, तो सामने नहीं आता, जब तक तो खैर बातें भी उड़ती है, बातें होती भी है, तो उसमें बंदा इतना कह नहीं सकता। तो डॉक्टर कोठारी साहब, दूसरा बात ये है कि लाइक जैसे हर देश है, जैसे आप US ने वैक्सीन बना दिया पर रूस ने या किसने नहीं बना दिया, तो बस उनमें कह के भाई हमने क्यों नहीं बनाया, अभी हमको इससे लेना पड़ेगा, तो हम हमारा बोलते ना नाम नीचे होगा उसके लिए, लोग नाम नीचे होगा, एक दूसरे से फिर नफरत करते हैं ना, इसके लिए लोग ऐसे फैला रहे कि ये होगा ये होगा वो होगा। आए भी होता भाई, ये इन्होंने कामयाबी पा ली है बना के, तो हम नहीं बना पाए, तो हमारी वो अपना बिजनेस भी है ना, लोगों का बिजनेस है, तो बिजनेस पे अब बंदा पीछे रह जाता है। और जैसे तो, अभी फाइजर ने बना दिया, उसने बना के एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन दूसरी कोई मॉडर्ना आ गई, पहले तो मॉडर्ना पीछे चल रही थी, अचानक कैसे ऊपर आ गई हो। अच्छा एक बात बताइए, अब ये अभी मतलब हमारे अपने भारत में तो जुगाड़ बहुत है, हर चीज का जुगाड़ कर लेते हैं, तो रामदेव ने भी एकदम बना दी थी, कहते आप वो उसने 2-3 दवाइयां बताई थी, आप इसको मिला के खाओ कोरोना आपको कभी नहीं होगा, तो ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? मतलब जब किसी चीज की समझ नहीं होती, आप अपनी बातें क्यों मतलब ऐसे किसी को, अगर किसी को नुकसान हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं होता नुकसान से, ये सोचते हैं मरे, ये बचने चाहिए, इनका बिजनेस चलना चाहिए। और एक तरफ हम कहते हैं हम तो जी स्वराज बनाना चाहते हैं, हम तो देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम तो, अब फिर क्या है, मतलब बस वो अपना ही अपनी टेक्निक निकालते हैं, जैसे लोग उसमें फंसे। और हाँ जी डॉक्टर कोठारी साहब जी है लाइन पे? नहीं। हाँ जी सर मेघराज जी, डॉक्टर साहब आए नहीं, पता नहीं क्या बात, नहीं वो नहीं दोबारा जुड़े, तो आप डॉक्टर साहब राय, इसको समाप्त कर दीजिए, आपको बात नहीं। अच्छा आए नहीं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं वो नहीं आ रहे। अच्छा नहीं आ रहे क्यों? वो विचारधारा कुछ अलग है उनकी, इनसे बात कर लीजिए, ओम का दूसरे डॉक्टर एडवोकेट से बात कर लीजिए। नहीं चलो एक बार आ जाते हैं ना, वो असल में वो फिर ज्यादा टाइम ले, वो मुझे लगे गुस्सा कर गए हो, क्योंकि अब कई बार देखो कोई उनका कोई ऐसा मुद्दा चलता है तो फिर बंदा बीच में रोक नहीं सकता ना फिर, क्योंकि बीच में फिर बात भूल जाता है बंदा, वो कहते मुझे को थोड़ा टाइम चाहिए इसलिए, है ना, तो देखें एक बार मिला के अगर आ जाए तो एक उनसे 10 मिनट के लिए सवाल कर लें कोई, क्योंकि हमने तो जोड़ना है, हमने प्यार फैलाना है, हमने किसी को नाराज नहीं करना। डॉक्टर साहब जी
नहीं दरअसल क्या ना इसको आप समाप्त कर रहे हैं, जैसे सवाल करके जो वो घंट जुड़े आपके साथ में। अच्छा चलो चलो ठीक है फिर, ओके जिनसे सवाल कीजिए एडवोकेट जुड़े आपके साथ में। हाँ ओके सर जी, ओके। हाँ जी एडवोकेट साहब जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी, आपका क्या विचार है भाई, जैसे लोगों का मानना है जैसा है कि मतलब कोरोना खतरनाक वायरस है, और कोरोना खतरनाक है तो लोगों का पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी हमारे पास यूपी आजमगढ़ का एक केस आया था। हाँ जी। और यूपी आजमगढ़ के 5 जो मजदूर हैं वो अपने राजस्थान का एक जिला है अलवर, हाँ जी, उसकी एक मारुति की फैक्ट्री में काम करते थे वो लोग। हाँ जी। और अचानक रात को एक वैन आई, मेडिकल वैन है ना, और आकर के एक लड़के को उठा के ले गई। हाँ जी। बाकी वो 4 बच्चे उठ करके निकल के भाग गए, बाकी जो 4 थे वो तो निकल निकला के भाग गए, वो पकड़ में नहीं आए। अच्छा, उनके अच्छा। और उनको अलवर के एक राजीव गांधी हॉस्पिटल है वहां ले जा करके उसको डाउटफुल के नाम से रख लिया। yes. डाउटफुल के नाम से रख लिया, प्लस उसकी जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के लिए सुबह उसको डाउटफुल बता करके, और जयपुर के राजस्थान, जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल के बगल में ही एक RUHS हॉस्पिटल है उसमें उसमें ले गए है ना, और उसके अंदर ले गए वो, और वहां पर जाकर के उसके अंदर उन्होंने उस लड़के को कोरोना पॉजिटिव बताया। अच्छा। कब बताया? जब उसको 30 जुलाई को, तो उसको लड़के को वहां से उठाया। हाँ जी। 30 जुलाई को अलवर से उठाया, और 30 जुलाई को अलवर से उठाया, और 1 जुलाई को सुबह ला करके उसको RUHS में डाल दिया। यस। और 3 जुलाई तक उस लड़के को कोई भी परेशानी नहीं थी। 2 जुलाई तक वो अपने अपने दोस्तों से बातचीत करता रहा, 3 जुलाई तक कोई परेशानी नहीं थी, और 3 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में कोई बातचीत नहीं होने दी उस बच्चे की। और अचानक 7 जुलाई को पता लगा कि वो लड़का 5 जुलाई को ही खत्म हो गया है। खत्म हो गया है जबकि बिल्कुल 24 साल का बिल्कुल नौजवान था, बिल्कुल ना कोई मोटा पतला ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल फिट बंदा था, और वो बंदा खत्म हो गया। ठीक है। उसके खत्म होने के बाद उसके माँ बाप को इतला की गई, और उसके माँ बाप को इतला नहीं की गई, सिर्फ एक बंदे को इतला की गई, जो उसका दूसरा भाई मजदूर था जो बॉम्बे में रहता था। अच्छा। जो मुंबई में रहता था उसको इतला की गई, और उसको और उस पूरी लिस्ट मेरे पास आई है, और RUHS में RUHS के बंदे ने प्लस एक वो और प्लस एक वो हॉस्पिटल क्या नाम जो फैक्ट्री वाला बंदा, उन्होंने उस बंदे को जो मजदूर है दूसरा भाई जो मुंबई में रहता था उसको प्लेन का टिकट देके भेजा। अच्छा। बाई प्लेन बुलवा करके और उस बंदे को जयपुर से वेन करवाई, और वेन करवाने के बाद उसको आजमगढ़ भेजा गया। अच्छा। तब तक ये बात फैल चुकी थी कि वो कोरोना था ही नहीं, बार बार उसको कोरोना किया गया, बाद में फिर नेगेटिव किया गया, फिर कोरोना किया गया, फिर नेगेटिव किया गया। अब मैं जरा इसी बीच में आपको एक बात बता देता हूं, अगर किसी को डाउटफुल किया जाता है और उसको कोरोना पॉजिटिव किया जाता है, तो कोरोना पॉजिटिव करने के बाद एक इनको एक कोविड फंड में एक फॉर्म जमा कराना पड़ता है उसके इलाज के लिए, फंड रिलीज कराने के लिए। जी। वो करीबन 1.5 लाख रुपए इनको मिलता है। तो कोरोना पॉजिटिव करने के बाद ही जब आप फॉर्म भरेंगे तब जाकर के आपको कोविड फंड से आपको 1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल को मिलेगा। मिलेगा। उसको कर लिया इन्होंने, पैसा ले लिया। हाँ जी। फिर उसको नेगेटिव बता दिया। अच्छा। नेगेटिव बता देके उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अच्छा। अब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम का जो थ्योरी ये है, जो नियम ये है, यदि अगर किसी का पोस्टमार्टम किया गया है तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि भाई इसकी डेथ क्यों हुई। तो उसकी सैंपलिंग होती है, उसका सैंपल लिया जाता है FSL के लिए, फॉरेंसिक लैब के लिए। तो इसका मतलब उसका पोस्टमार्टम किया है तो इसका मतलब उसको कोरोना नहीं था। और कोरोना था तो उसका पोस्टमार्टम क्यों किया? क्यों किया? हुँ?
और पोस्टमार्टम और कोरोना था तो वो डेड बॉडी, जब पोस्टमार्टम नहीं था सॉरी कोरोना नहीं था तो फिर उसकी सैंपलिंग क्यों नहीं की गई? सैंपलिंग की जानी चाहिए थी ना, बिल्कुल उसकी सैंपलिंग नहीं की गई। और कोरोना था तो वो डेड बॉडी खुद जलाती है, गवर्नमेंट न कि किसी को देती है। बिल्कुल। तो जयपुर से खुद के पैसे पर RUHS ने खुद ने वैन भेजी और वो वैन आजमगढ़ गई, और आजमगढ़ जब पहुंची तो वो उस बंदे के घर पे नहीं पहुंची वैन। अच्छा, हाँ जी, बंदे के घर नहीं पहुंची, और उस बंदे के इलाके में जो बंदे के इलाके में जो जिसे शमशान घाट कहते हैं, शमशान घाट है, उस शमशान घाट से दूसरे इलाके के शमशान घाट में वैन पहुंची डायरेक्ट। अच्छा, उस बात का पता पब्लिक को लग गया। हाँ जी। पब्लिक ने हंगामा किया, वहां पर DM आया तो DM ने वो वैन अपने पास रख ली, अपने कैंपस में रखवा ली, डॉक्टर वगैरह को वहां की पुलिस वगैरह को बुला लिया। और उस रात इतनी तगड़ी बारिश हुई कि सारी पब्लिक बारिश में टिकी रही, लेकिन इधर उधर जा नहीं सकती थी। हाँ जी। सुबह 4 बजे पता लगा कि रात को 2 बजे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया पुलिस वालों ने, चुपचाप पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि सारे मिले जुले होते हैं ना, सारे मिले जुले होते हैं अंदर। जी जी, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी, यहाँ भी यहाँ पर भी ये जो गवर्नमेंट, वो वहां बीजेपी गवर्नमेंट है ना यूपी में। हाँ जी। तो वो तो, और बीजेपी का एजेंडा चलाया हुआ है कोरोना, तो वहां जला दिया। हाँ, उसको वहां जला दिया गया। जिनका है, अभी पीछे जो कांड हुआ था वो बेटी के साथ में इधर अपने यूपी में ही हुआ था, तो उनके परिवार वालों को कितना इन्होंने मारा पुलिस ने, और रातों रात जला के उनको दिखाया भी नहीं उस बेटी को, उसके साथ इतना बद्दा सब कुछ किया। तो मतलब है ना, तो क्या है मतलब, फिर भी लोग पब्लिक जो है वो अंधी हुई बैठी है, आंखें मीच के बैठे हैं, अंधभगत बने बैठे हैं। देखो, इंसान को सोचना चाहिए, आज इन लोगों के साथ हो रहा, कल हम भी तो हैं उस लाइन में। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी। उस डॉक्यूमेंट को देखने के साथ मैंने मेडिकल जूरिस्ट को दिखाया। हाँ जी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, और मेडिकल ओपिनियन लेने के बाद, और मेरी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की मेरी नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पाया कि वो क्लियर कट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया मर्डर है। बिल्कुल, मर्डर। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ये पता लगा क्लियर कट ये डॉक्टर्स द्वारा किया गया मर्डर है। और लोग ये कहते हैं कि जवान बच्चे इसलिए मर रहे हैं कि इनके बॉडी पार्ट्स के बाहर बहुत ज्यादा नीड है। हाँ जी, ऐसा सुनने में आया है। और इन्हीं दिनों एक अखबार में खबर आई कि दिल्ली के एक डॉक्टर को करीबन 100 आदमियों की मौत में हाथ होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पेपर में न्यूज आई है उसकी, कोई शर्मा ही था, संजीव, डॉक्टर संजीव शर्मा के नाम से ऐसा नाम था उसका। तो मेरा कहना यह है कि जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो मर जाता है, और जो हॉस्पिटल जा रहा है उसी के वही जो हॉस्पिटल जा रहा है वही मर रहा है, वो कोरोना से ही मर रहा है। तो भाई, वापिस नहीं आता जो हार्ट अटैक के पेशेंट कहाँ गए? हाँ। बीपी शुगर के कहाँ गए? हाँ, कैंसर से मरने वाले कहाँ गए? जो मर रहा है वो कोरोना से ही मर रहा है तुम्हारे यहाँ। वही ना, अब नाम ही कोरोना का रह गया, बस और कोई बीमारी है ही नहीं। इसीलिए जब हॉस्पिटल हमारे कोर्ट में जब वो आए लेकर के, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हैं और बोले कि साहब आपको भी चेक करेंगे, तो फिर मैंने सीधा किया कि यदि मैं पॉजिटिव आया या मैं डाउटफुल आया तो तेरे को लाइफ टाइम के लिए नेगेटिव कर दूंगा, भाग जाए। सही बात है। तो फिर सारे के सारे भाग छूटे वहां से। तो मैंने कहा देख, मुझे अगर कोई परेशानी होगी तो सिम्टम्स नजर आएगा, जिसका सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहा है, अभी सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहा तो बीमारी कैसे हुई? अब हार्ट अटैक आता तो सीने में, चेस्ट में पेन होता है, हाथ में बाएं हाथ में दर्द होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना बंदे के। तो जानबूझ करके लोग। हाँ, आज टाइम हो गया तो आप एक अपने कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपने सब देख रहे हैं तो मतलब आप कोई मैसेज? भाई लोगों, मस्त रहो, कोई भी कोरोना नाम की, मेरी तरफ से तो कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं है, और यदि आपको लगता है कोरोना नाम की बीमारी है तो आप उसे बच के रहें और सेफ रहें। मेरी तरफ से कोई कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। मेरी कॉलोनी में, मेरे जानकारों में अब तक करीबन 14 मौतें हुई है,
14 मौतों के परिवारों में जो लोग आए वहां पर, उन बंदों से मैंने पूछा, भाई तुम्हारी गली मोहल्ले में कोई कोरोना से मरा? कि साहब हमारे तो नहीं मरा। तो मैं कहता हूं कि राजस्थान के जयपुर शहर में भाई 6000 कौन सी गली में मर गए ये? वही तो है ना, जो इसीलिए तो कोई नहीं है, मस्त रहिए बंद, आपका रोजगार खत्म करने के लिए क्या है? जो आपके साथ में है वो उनसे बोल दो भाई, कुछ मैसेज देना चाहेंगे है साथ में? जी आइए, आइए सर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? सर ये कोरोना जो बीमारी है ये कोई बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी है, इसको सिर्फ हाईलाइट किया गया है और समाज को डराया गया है, खासकर एससी एसटी ओबीसी को टारगेट बना करके इनकी किडनियां बेचने का अभी काम किया गया है, काम किया गया, धंधा बना दिया है, एक धंधा बनाया गया है। हमारे भतीजे का, मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूं, हाँ जी, मैं बिहार अभी चुनाव में था, हाँ जी, हमारा भतीजा, हमारा तहसील शाहगंज है, तो तहसील शाहगंज से वो बॉर्डर रेलवे क्रॉसिंग का पुल बना हुआ है, पुल पे वो चढ़ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद मैं बिहार में था तो घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में ले गए, जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ शाहगंज में, हाँ जी, उसको वहां जवाब हो गया। फिर वहां से, क्योंकि उस समय कोरोना का थोड़ा ज्यादा मामला चल रहा था, तो उसको लेके गए लोग बनारस, हाँ जी, और बनारस ले गए, उसको बनारस वाराणसी में रखा गया, और उसको 4-5 वो एकदम फिट था, बोलता था, सारे लोगों से बातचीत भी करता था, उसको सिर्फ जेबड़े में यहाँ चोट लगी हुई थी, हाँ जी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको ऐसी सी दवा दी गई कि वो 3 दिन जाते जाते वो बातचीत भी करना बंद कर दिया, सब कुछ उसका एकदम फेफड़े में पानी हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर हमारा वो भतीजे का जो दूसरा भाई था उसने हमको फोन किया कि अंकल ऐसा ऐसा जो है जो उनके साथ जो है भैया के साथ ऐसा हो रहा, मनीष के साथ। तो मैंने कहा कि वो कहाँ पर है ये बता मुझे, तो उसने बताया, तो मेरी ससुराल बनारस में है, कपिल चौरा एरिया है वहां पर, मैंने अपने साले को भेजा, हम कहा जाओ और तुरंत उसको रिलीव करवाओ वहां से, तो डॉक्टर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हाँ सही बात। तो फिर उसके बाद फिर हमने अपने घर से, हमारे चाचा हैं वो अपने, हमारी आहत की दुकान है सब्जी मंडी में थोक, तो मैंने उनको कहा, हम कहा किसी भी कीमत में उसको तुरंत निकालो वहां से, और वहां से निकालने के बाद ही जैसे ही हम ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारे रिश्तेदार हैं वो भी, उनके पास ले गया, बोले 2 दिन आप और रुक जाते तो मामला तो खत्म था बच्चे का, खत्म था बिल्कुल। तो ये उसके पूरे फेफड़े में पानी हो गया, सब कुछ हो गया, और आज वो बच्चा अभी भी सेफ है। अगर ना लेके आते तो उसको खत्म कर देते वहीं पर। उस पे लड़ाई लड़ना पड़ा बहुत, पुलिस वाले ने, वहां के गार्ड, वहां के डॉक्टर, सारे लोग विरोध में उतर गए, हम लोग भी एकदम पूरा एकदम विरोध में उतरे, पूरा एकदम पूरा ताकत दिखानी पड़ी अपनी, तब वो लोग समझ में आया कि नहीं ये लोग जो है इस मामले को ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पूरी ताकत दिखाने के बाद तब उन लोगों ने छोड़ा वहां से। चलो सर जी, ये जो हराम ये लोग दिखा रहे हैं, ये इसमें बहुत सारे लोग, देखिए एक सीधा सवाल आपको सर मैं बताऊंगा, सिर्फ समझने का आप प्रयास करिएगा, रावण को हराने की किसी की औकात नहीं थी, नहीं थी बिल्कुल, विभीषण की वजह से रावण हारा, घर का बेदी लंका ढावे जी। तो ये जो हमारे समाज के सारे विभीषण साले देश में टहल रहे हैं, सबसे पहले इनको टारगेट करना पड़ेगा साहब। मैं इसी बात पे एक मिनट के लिए आपको कहता हूं, जब रावण धरती पर पड़े थे, विद्वान थे, महान विद्वान थे, राम जी ने कहा कि भाई उनसे जाके कुछ सवाल करो, कोई बात करो, तो उन्होंने पूछा भाई मतलब है ना, तो उन्होंने एक बात कही थी, कहते आज मैं जो धरती पर पड़ा हूं ना और आपका भाई खड़ा है, उसका मतलब है कि
तुम दोनों भाई इकट्ठे हो, तुम्हारी शक्ति इकट्ठी है। आज मैं जो धरती पर पढ़ाऊं ये मेरे भाई के कारण हुआ है। जी जी, कहते अपनों ने हमें मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। दूसरों को मतलब नहीं होता, अपने अपने ही अपनों को मारते हैं। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल यादव है, मैं यूपी जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। हाँ जी इंद्रपाल साहब जी, आपका यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे चैनल से जुड़े और ओम प्रकाश जी चौकड़ाया तो एडवोकेट जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर तरुण जी एक बार ही आए फिर वो चले गए, शायद पता नहीं क्या बात हुई। और दिनेश जी आप सबका हमारे वॉइस ऑफ चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि ये सबका चैनल है और सबको एकजुट करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि हमारा नारा यही है गुरु नानक का, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ जी, चार आ रहा है, हमारा मूल विचारधारा हमारे देश में महान शक्तिशाली अगर बनाने वाला कोई है तो बहुत है, हम बुद्ध को क्यों छोड़ते हैं? यस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध को हम क्यों छोड़ते हैं, बुद्ध को क्यों छोड़ते हैं? बुद्ध तो दुनिया का एक प्रतीक है, प्रतीक है बिल्कुल, तो बुद्ध को हम क्यों छोड़ते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध को भी तो साथ में लेना चाहिए। बिल्कुल, बौद्ध धर्म भी बहुत, हाँ जी। और भारत जो बुद्ध विचारधारा है, बुद्ध की जो आइडियोलॉजी, वो भारत में उपजी और भारत में ही खत्म कर दी गई। क्यों? तो हमको सबसे पहले बुद्ध को लेना होगा, जब तक हम बुद्ध को नहीं लेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। तो अगली बार हम संविधान पे बात करेंगे, जो अपने संविधान लिखे हैं और ऐसे ऐसे अच्छे इंसानों ने लिखे हैं, लेकिन आज हम संविधान को कोई मान नहीं रहे हैं, है ना, तो हम आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। संविधान के ऊपर तो कोई चल नहीं रहा ना, कानून के ऊपर कोई नहीं चल रहा, जो कानून लिखे हुए हैं उनके ऊपर तो कोई सरकार नहीं चलती ना, अपनी मर्जी करते हैं। और हमारे लोग कहते हैं कि कानून हमारी जेब में है, जिसके पास चार पैसे हैं, जिसके पास पोजीशन है। तो देखिए सर, मैं एक लाइन की बात बोल दूं, जब संविधान लिखने का काम बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये जो पूरी कमेटी ने शुरू किया था, बिल्कुल, तो पहली बात बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में घुसने ही नहीं दिया गया। घुसने नहीं दिया था जी। तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में घुसे क्यों, कैसे, किसकी किसके माध्यम से घुसे, यही नहीं जानकारी समाज को है। आज भी यही हो रहा है। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान में घुसाने का काम किया उसका नाम कुछ नहीं पता, उन जिलों का कुछ नहीं पता, उन्हीं जिलों को आज खाना भरोस कहा जा रहा है, उसी जिलों को आज देश निकाला कहा जा रहा है, उसी जिले के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आज वहां पर कितनी बुरी स्थिति है, दो दो एक पर एक पाकिस्तान की जगह दो दो पाकिस्तान बनाए गए, क्यों बनाए गए, इस समाज को पता नहीं है सर। एक जब पश्चिमी पाकिस्तान बन गया था तो पूर्वी पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी? खोलना, जासूर, फरीदपुर, बोरीसाल, ये जो पश्चिम बंगाल के चार जिले हैं, इसको ना ही आज पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही इसको बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा है। इन्हीं लोगों ने तो मुस्लिम लीग से और बाबा साहब जो को जिता करके भेजने का जो लोगों ने काम किया, अब्दुल हक के माध्यम से, या कहा जाए तो योगेंद्रनाथ मंडल के माध्यम से, जो लोगों ने संविधान में भेजा बाबा साहब को, बाबा साहब ने लिखा संविधान दिया, हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। चलो सर जी, टाइम हो चुका है और हम आपसे शायद अगले शनिवार को इस मामले पे मतलब मुद्दा रखे हैं संविधान वाला, तो आप फिर खुल के उसमें चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम खुला होना चाहिए, जब क्योंकि अब फिर भटक जाते हैं ना, अब थोड़ी बात अगली बार रखेंगे तो आपको भाई साहब अपने मेघराज सिंह जी, खालसा जी आपको संपर्क कर लेंगे, और एडवोकेट साहब और तीन दो तर चार बंदे और इकट्ठे होकर फिर चर्चा करेंगे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब मेघराज सर जी को हमने कई बार अपना नंबर भी भेजा और उनसे संपर्क करने का हमने प्रयास भी किया, हो नहीं पाया। सर मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, सर के पास भेज दीजिए बस। आज नंबर क्या आपका? 9458
9458256782 ओके सर जी जी ओके हाँ जी थैंक यू सर जी ओके वॉइस ऑफ मान्यता की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दो हाथ जोड़ के सबकी तरफ से पूरे चैनल की तरफ से पूरे ऑल वर्ल्ड की तरफ से और हम तो यही अरदास करते हैं भगवान से वाहेगुरु से जिसको कोई बुद्ध कहता है किसी कोई उसको खुदा कहता है कोई राम कहता है कोई गुरु नानक कहता है कोई मोहम्मद कहता है ये सारे एक है इनका सबका उपदेश एक ही है लेकिन एक उपदेश को चलने नहीं देते जो ब्राह्मणवाद है वो कहता है मैं स्पेशल हूं। मैं एक बात अभी पीछे भी एक वीडियो डाली थी भाई साहब मेघराज जी ने मेरी तो उसमें एक सवाल किया था मैंने जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया अगर तू पंडित का बेटा है ब्राह्मण का बेटा है और तुझे पंडित पंडितानी ने पैदा किया है तो आन बाट कहे नहीं आया अलग रास्ते से क्यों नहीं आया तू तेरा स्पेशल जब सारे वहीं से आ रहे हैं तो तेरा रास्ता वो क्यों नहीं था बिल्कुल मतलब तेरा दूसरा रास्ता स्पेशल क्यों नहीं है तू भी उसी रास्ते से आके स्पेशल कैसे हो गया हम सब स्पेशल हैं कोई भी संसार में कोई भी जीव है 84 लाख जूनी जो भी हैं सब उस भगवान की देन है और हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमको ऐसा अनमोल जन्म दिया है और इस अनमोल जन्म को हम आपस में बांटे ना हम मतभेद ना करें हम एक दूसरे से प्यार करें और हमारे चैनल का नाम ही और सब पूरी दुनिया में प्यार फैलाएं क्योंकि प्यार में शक्ति है। एक संदेश दे दूं मैं भी कबीर की कबीर साहब ने कहा मात पिता के मिलन से रज बीरज की बूंद एक ही घाटी निकला ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बिल्कुल कबीर ने कहा हाँ जी कबीर वो भी कबीर साहब का जो मैंने बोला वो भी कबीर साहब का है जी वो भी कबीर साहब का जी बिल्कुल भाई हाँ। क्योंकि वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी ओके जी।